पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये है कौन जो सुबह से सबकी मदद कर रहा है? पहले तो मैं कभी ढोलकपुर में देखा नहीं। मेरा नाम तबोरा है और पास के ही गांव से आया हूँ। हमारे गांव में भी आग चली गई है तो सोचा ढोलकपुर से ही थोड़ी मदद ले लूं, पर मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। तुम अकेले कहाँ हो तबोरा? हम जो हैं तुम्हारे साथ। क्यों जग्गू? हाँ, हमारी टोली में तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। बताओ क्या खबर लाए हो? वाह, मैं भीम के दल में शामिल हो चुका हूँ, पर अग्नि चक्र का पता लगाने के लिए हमें ढोलकपुर के लोगों में किरमाड़ा का और डर बिठाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डर। वो तो ठीक है, लेकिन हमें और अग्नि की जरूरत है। ये रही ढोलकपुर की सारी अग्नि। अग्नि चक्र के बारे में पता चल जाएगा, पर बस तुम अंधेरे के बादल ढोलकपुर से मत देना बुआ। तुम आगे चलो, अंधेरे के बादल तुम्हारा पीछा करते करते ढोलकपुर पहुंच जाएंगे। झुम झुम जोड़ा बरसे जैसे काले चमगादड़ों का दल, ढोलकपुर के ऊपर छा जाए ऐसे घनघोर काले जादू के बादल। लगता है ये भी तुम्हारी तरह अकेला है टबोरा। तो फिर हम इसे भी अपने साथ खिला लें। ये कैसे खेलेगा? ये तो गेंद भी नहीं पकड़ सकता। क्यों, पकड़ सकते हो क्या? तो फिर हो गया ते, ये बछड़ा भी हमारे साथी के लिए। पर हमें इसका कुछ नाम रखना चाहिए। बछड़ा, गाय, गोपाल। गोपाल कैसा रहेगा? ठीक है ठीक है, अब खेल शुरू करते हैं। बॉल तो दे दो गोपाल, तभी तो खेल शुरू हो पाएगा। भैया, अग्नि किससे जा रही है? चलो उस तरफ चल के देखते हैं। इस बार तो मैंने मंदिर का दीपक भी नहीं बुझाया, ये कोई और ही कर रहा है। किरमाड़ा नहीं, अरे ये तो किरमाड़ा है, वो तो मर गया था ना। अरे नहीं, ये तो सच में किरमाड़ा है। पर ये कैसे हो सकता है? भीम, जल्दी मेरे साथ चलो, मैंने किसी राक्षस को उस तरफ जाते देखा है। दोस्तों तुम यहीं रुको, मैं टाबोरा के साथ जाता हूँ। पर भीम, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं राजू, तुम लोग यहीं गोपाल के साथ रुको, वो एक छोटा सा बछड़ा है ना, जंगल में उसे जंगली जानवरों से खतरा हो सकता है। क्या देखा तुमने? टबोरा, टबोरा कहाँ?
जा, वो सब जो किरमाड़ा को और शक्तिशाली बना सके, ताकि वो शैतान का काम पूरा कर सके। पर किरमाड़ा तो मर। तुम सब ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? हम सब ठीक हैं भीम, पर तुम किससे लड़ रहे थे? मायांद्री से, और उसे मैंने हरा भी दिया था, पर वो भाग गई। लेकिन जाने से पहले क्या भीम? जाने से पहले उसने कहा कि किरमाड़ा वापस आ चुका है और उसे शैतान का काम पूरा करने के लिए और ऊर्जा चाहिए। कैसा काम भीम? ये तो नहीं पता, पर हमें उसे रोकना होगा। लेकिन टबोरा, तुम थे कहाँ? मैं जंगल में कहीं खो गया था। लेकिन अच्छा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं होगा जब तक किरमाड़ा का खात्मा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। ये तुमने
क्या किया? अब मैं हूँ सबसे ताकतवर। वो शक्ति सिर्फ मेरे लिए है। इससे आगे नहीं जाएंगे भीम। ये समुद्री राक्षस का इलाका है। मछुआरे चाचा, हम गोता लगाकर देखते हैं आखिर ये राक्षस क्या चीज है। और मैं वॉकी टॉकी की मदद से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ओवर। ओवर। बबल्स को अकेले नहीं छोड़ना है।
फर्ज था। मुझे अपने लैब के लिए एक नई और बड़ी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी फिरकी लेके। ये तो वाकई जाओ यहाँ से फिरकी लेके। भूत ढोलकपुर में? चलो दोस्तों। अरे कोई बचाओ, अरे कोई मेरी गाय को बचाओ, अरे मेरी बकरियाँ। अरे भाई क्यों गला फाड़ रहे हो, क्या हो गया? अरे मैंने अभी अभी एक भूत देखा। बाप रे, दिन में भी भूत कुछ नहीं होता, वैसे भी जब कालिया हो साथ तो डरने की क्या बात। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं कहाँ है भूत। ये तो बस एक छोटा सा तूफान है, इसमें डरने की क्या बात है? एक छोटा सा तूफान नहीं है कालिया, हमें जंगल जाके सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी। दोस्तों चलिए चलो। शक्ति आ जाती है गमछा घुमाई के।
फ्री का दूध। चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। चले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाएंगे। अरे ये क्या, सारी की सारी गाय तो मलाई के पीछे चल दी। मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? भीम, तुम यहाँ? होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ।
भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो, करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हा? सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह और लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू बनने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। पापा, ठीक है भीम, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। नष्ट करने के लिए कह गया? बाप रे, ये कीड़े इस किताब में कैसे आए? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है बच्चों, ये है जीवन की किताब। ये किताब असल में दूसरी दुनिया का दरवाजा है, और उस दुनिया में सभी किस्म के पेड़ पौधे और जानवर खुशी खुशी रहते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स, फीनिक्स। और जिस किसी के पास भी ये किताब होगी, वो इन सब जानवरों को अपनी मर्जी से बाहर बुला सकता है और अपना गुलाम बना सकता है। तो इससे पहले कि ये किताब किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसे जल्द से जल्द जादुई ज्वालामुखी सुखी मुखी में आज रात चंद्र ग्रहण होने से ठीक पहले डाल कर नष्ट कर दो। जादुई ज्वाला सुखी मुखी, चलो ग्रहण खत्म होने से पहले इस किताब को उसमें डाल दे। कौन हो तुम? मैं हूँ बकासुर, और ये किताब मेरी है। जाओ बच्चों, जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई करो और इन सब झमेलों में मत पड़ो। पढ़ाई तो हम कर लेंगे, पर पहले तुम्हें सबक तो सिखा दे। ला वो किताब। मैं तुम्हें सिखाता हूँ।
शुक्रिया धोनी बाबा, पर ये बुकासुर कौन है और उसे कैसे हराया जा सकता है? हाँ, बुकासुर को हराने का बस एक ही तरीका है, उस पर हमला करने से पहले वो तुम्हें देख ना पाए, समझे? समझ गया दोस्तों, चलो मेरे साथ। बस कुछ ही वक्त में इस किताब के सभी जानवर मेरे गुलाम होंगे। सिपाहियों, सारी मसाले क्यों बुझ गई? देखो जाकर। बुकासुर तो गया बुक में।